चैनल प्रेगनेंसी एंड वीमेन केयर विद ज्योति में। जैसे कि हम जानते हैं कि 2023 में अप्रैल महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसका समय क्या होगा, ये भारत में किस तरह का प्रभाव डालेगा, भारत में किस समय पर लगेगा और गर्भवती महिलाओं को विशेषकर इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है ताकि उनके आने वाले बच्चे पर इस सूर्य ग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं 2023 में साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल यानी कि गुरुवार के दिन लगने वाला है। इसका समय भारतीय समय के अनुसार ये सुबह के 7:04 पर शुरू होगा और ये खत्म होगा 12:29 पर। तो इसका पूरा जो टोटल ड्यूरेशन है, पूरा जो ये सूर्य काल का समय है वो 5:24 का समय है। तो 5:24 पर गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये भारत में क्योंकि ये नहीं दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ऐसा कोई भी विशेष कर ध्यान रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बाकी अदर कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में जैसे कि अमेरिका, कंबोडिया, चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, प्रशांत महासागर, इन सारी इत्यादि देशों में इसका प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर ये उन कंट्रीज के टाइम के अनुसार ये दिखाई देगा। पर फिर भी कुछ महिलाएं जो है कुछ परिवार में काफ़ी ऐसी रिचुअल्स, कस्टम्स को, रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है कि सूर्य काल के समय पर कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि जब भी सूर्य ग्रहण शुरू होता है तो उस समय से लेके जब तक वो ख़त्म नहीं होता है उस समय आपको कोई भी काटने, चाकू, छुरी, कैंची इत्यादि का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा पाठ, जिस भी भगवान को, देवी देवता को आप मानते हैं वो चीज़ों को करना चाहिए, यानी कि मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सारे काम कर लेने चाहिए। और कोई भी जो बासा या उस समय पर जो भी खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए और सूर्य की रोशनी डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। तो इन सब कामों को करके आप सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बच सकते हैं और अपने आने वाले बच्चे को भी इसके बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं। तो कुछ राशियों में इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि मेष राशि में, तुला राशि में इसका विशेषकर प्रभाव देखा जाएगा और बाकी अन्य राशियों में भी इस साल जो सूर्य ग्रहण है उसका कुछ बुरा प्रभाव भी और बाकी राशियों में देखा जा सकता है। तो अपना बहुत ध्यान रखिए, सूर्य ग्रहण के समय जो भी नियम होते हैं, जो भी कायदे होते हैं उनको अपने परिवार के अनुसार पूरा कीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर